ओके तो और मेरे भाई लोग कैसा, तुम फिर से बोला चुको आप लोगों के लिए बीजेएमआई की और भी एक कमाल के वीडियो लेकर। अब भाई कल के दिन मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके थोड़ा सा ग्रिप टेस्ट कर रहा था और उसी बीच भाई मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि उन्हें एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जाए। उस पोस्ट में मैंने आप लोगों से चार ग्रिप के बारे में पूछा था, वर्टिकल, एंगल, हल्प ग्रिप और भाई लेजर ग्रिप। मुझे जानना था आप लोगों का ओपिनियन कौन सा ग्रिप बेस्ट होता है फॉर टीडीएम, और वहां पे सबसे ज्यादा वोट मिला वर्टिकल ग्रिप को, उसके बाद लेजर। अब भाई ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं खुद जाके चेक करूं एंड भाई अपना ओपिनियन शेयर करूं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कौन सा ग्रिप बेस्ट होता है 1v1 टीडीएम के लिए। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारे भाई मिलकर फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर दो। आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक कर देना ठीक है सारे भाई मिलके। और चलो यहाँ पे देर में बात नहीं करेंगे, फटाफट से भाई इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई आजकल हम टीडीएम में कौन सा ग्रिप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले आता है लेजर ग्रिप, उसके बाद आता है वर्टिकल ग्रिप, उसके बाद आता है हल्प ग्रिप, उसके बाद आता है भाई हमारा थंब ग्रिप ठीक है। और ये जो लाइट ग्रिप और ये जो एंगल ग्रिप है इसको मैंने इसलिए साइड में रखा क्योंकि भाई इन दोनों ग्रिप को हम ज्यादा यूज नहीं करते। तो इन चारों ग्रिप में मैं भाई आज कंपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो हम भाई ग्रिप किस लिए यूज करते हैं ठीक है। लॉन्ग रेंज में भाई हम यूज करते हैं रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, और भाई क्लोज रेंज में करते हैं कि भाई मतलब बुलेट स्प्रेड कम हो। अब भाई आप लोगों को पता है टीडीएम में मिड रेंज और क्लोज रेंज का फाइट ज्यादा होता है, लॉन्ग रेंज का फाइट नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे रिकॉइल ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वर्टिकल ग्रिप है, हल्प ग्रिप है, थंब ग्रिप है, लेजर ग्रिप है ठीक है। चारों से मैंने भाई यहाँ पे स्प्रे मारा। अब भाई आप देख सकते हो रिकॉइल की अगर बात करें तो सबसे कम रिकॉइल है वर्टिकल का और भाई सबसे ज्यादा रिकॉइल है लेजर ग्रिप का। लेकिन हम फिर भी क्यों यूज करते हैं टीडीएम में लेजर ग्रिप, क्योंकि भाई उससे हमारा बुलेट स्प्रेड कम होता है क्लोज रेंज। और पिछले क्लिप में भाई आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि थंब ग्रिप से भाई लेजर ग्रिप का रिकॉइल ज्यादा है, लेकिन ये तो गया भाई थंब ग्रिप का एक प्लस पॉइंट, और भी एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा वोट मिला है वर्टिकल के, तो वर्टिकल और लेजर के बीच में भाई हम यहाँ पे बुलेट स्प्रेड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा बुलेट स्प्रेड किसका है, और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि वर्टिकल ग्रिप का भाई बुलेट स्प्रेड कितना ज्यादा है। और अब भाई हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे थंब ग्रिप को ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि थंब ग्रिप का भाई बुलेट स्प्रेड बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं भाई यहाँ पे फायर करता हूँ। अब भाई यहाँ पे देख सकते हो कि लेजर और थंब में भाई इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को थंब ग्रिप का एक और प्लस पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले देखो ज्यादातर जो टीडीएम मैच वगैरह होते हैं, मतलब टीडीएम टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, या फिर भाई जो सीरियस टीडीएम मैच वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है भाई मिड रेंज फाइट भाई बहुत ही ज्यादा होता है क्लोज रेंज फाइट के मामले में। अब देखो अब भाई खुद ट्रेनिंग ग्राउंड में आओगे, उसके बाद लेजर ग्रिप को लगाओगे, लेजर ग्रिप को लगाने के बाद अब भाई कुछ इस तरीके से स्कोपिंग करोगे पिक करके ठीक है, पिक करो या फिर नॉर्मल करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ इस तरीके से पिक करोगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भाई आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है थंब ग्रिप ठीक है। थंब ग्रिप लगाने के बाद भाई आप कुछ इस तरीके से आपको पिक करना है ठीक है, आप मतलब नॉर्मल पिक भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल स्कोपिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे भाई आपको एक मतलब मस्त वाला चीज नोटिस होगा कि थंब ग्रिप ना बहुत ही ज्यादा तेजी से भाई स्कोप को खोल देता है। थंब ग्रिप से ज्यादा तेजी से भाई कोई भी ग्रिप आपको स्कोप ओपन करके नहीं दे सकता, तो यही है भाई थंब ग्रिप का एक और प्लस पॉइंट ठीक है। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि कितना तेजी से भाई थंब ग्रिप मतलब स्कोप को खोल रहा है ठीक है, फटाक से भाई स्कोप को खोल देता है। तो भाई जो टीडीएम टूर्नामेंट वगैरह होता है या फिर जो सीरियस टीडीएम मैच वगैरह होते हैं, उनमें मतलब सीन क्या होता है, सामने वाला बंदा भी भाई कवर में रहता है, आप भी भाई कवर में रहता है, वहां पे क्या करना पड़ता है फटाक से भाई स्कोप इन करके या फिर भाई पीक करके बंदे को मारना पड़ता है, फिर से भाई मतलब कवर के अंदर आना पड़ता है ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाई आप थंब ग्रिप को यूज करते हो तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर भाई आप मेरे से पूछते हो कि ज्यादातर प्लेयर लेजर ग्रिप क्यों यूज करता है, तो वो चीज तो भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई लेजर ग्रिप क्लोज रेंज के लिए अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं है थंब ग्रिप के साथ ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कंपेयर करके दिखा दिया ठीक है, बुलेट स्प्रेड के मामले में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे मैं भाई खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, कौन क्या बता रहा है कौन क्या नहीं बता रहा है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। और वीडियो के एंड में जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसे आप अच्छे तरीके से सुनो ठीक है। अगर भाई आप फ्रेंडली मैच खेल रहे हो क्लोज रेंज फाइट में ठीक है, एकदम मतलब सामने सामने घुसो एकदम मरो, तब भाई आप लेजर ग्रिप का बहुत ज्यादा इजीली तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर भाई आप सीरियस टीडीएम टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो या फिर भाई सीरियस टीडीएम मैच वगैरह खेल रहे हो, तब भाई आप थंब ग्रिप का यूज करो। क्विक स्कोपिंग के मामले में भाई थंब ग्रिप बेस्ट है ठीक है, बहुत ही ज्यादा एडवांटेज भाई आपको देखने को मिल जाता है, और क्लोज रेंज के लिए भी ठीक ठाक है। और कल के दिन मैंने भाई एक सेंसिटिविटी का वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने भाई मोबाइल का सेंसिटिविटी बताया था ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को वो सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई लगा। तो अगर भाई आप लोगों को थोड़ा सा लो सेंसिटिविटी चाहिए, तब मैं भाई कमेंट में एक लिंक पिन कर दूंगा ठीक है, उसमें टैप करना ठीक है, उस चैनल पर आप लोगों को चले जाना है ठीक है। और उस चैनल को जाकर आप लोगों को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वो मेरा दोस्त का चैनल है, मेरा चूतिया दोस्त है वो ठीक है, थोड़ा सा लो सेंसिटिविटी में खेलता है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा खेलता है। और भाई उसने वीडियो भी अपलोड किया है सेंसिटिविटी के ऊपर ठीक है, तो 1K सब्सक्राइबर भाई उसके चैनल पे करवा देना ठीक है प्लीज। और इस वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर देना ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।